नीतीश जी बना दी। हम लोग कहते हैं ना कि कोई व्यक्ति जैसे अपने पैर में खुद ही कुल्हाड़ी मार ले, ठीक उसी तरह का काम नीतीश कुमार जी ने किया, अपने पैर में खुद ही कुल्हाड़ी मार ली। नीतीश कुमार जी के राजनीतिक जीवन की जितनी कमाई थी एक क्षण में उन्होंने दांव पर लगा दिया। जब उन्होंने कहा कि हम राष्ट्रीय जनता दल के नेता के सामने आत्मसमर्पण करते हैं, अब बताइए राष्ट्रीय जनता दल जिसके खिलाफ पूरा का पूरा नीतीश जी का अभियान था, 2005 के पहले लगातार संघर्ष हुआ था और उसी कुशासन से बिहार को बाहर निकालने के लिए संघर्ष हुआ था। बिहार भर के लोगों ने, आप सब लोगों ने मिलकर नीतीश जी को आशीर्वाद दिया, कितना अच्छा चल रहा था और अंत में आकर नीतीश जी ने कहा कि हम उन्हीं हाथों में फिर से बिहार को सौंप देंगे, जहां से चले थे वही नीतीश कुमार जी पहुंच गए। अब बताइए, पहले तो पार्टी को उन्होंने समर्पित करना शुरू किया राष्ट्रीय जनता दल के हाथ में, हमने वह प्रतिकार किया पार्टी में रहते हुए, हमने कोशिश की, हमने बार बार कहा नीतीश जी ऐसा मत कीजिए, लेकिन नहीं माने, नहीं माने। पार्टी को धीरे धीरे कमजोर करने का रवैया चलता रहा। हमने कहा कि देखिए, अगर यही रवैया आपका है, हम लोगों की बात नहीं मान रहे, तो यह पार्टी आपकी अपनी पार्टी है, आपकी मर्जी, राष्ट्रीय जनता दल के हाथ में आप कुर्बान कर रहे हैं, कुर्बान कर दीजिए, लेकिन बिहार को राष्ट्रीय जनता दल के हाथ में कुर्बान करना चाहिएगा, तो यह उपेंद्र कुशवाहा बर्दाश्त नहीं करेगा। और उसी समय हमने अपना रास्ता अलग कर लिया। नीतीश कुमार जी ने जिद पकड़ ली है, जिद ठान ली है, राष्ट्रीय जनता दल के हाथ में बिहार को फिर से पहुंचाना चाहते। अब बताइए 2005 के पहले क्या स्थिति थी, अभी पूरे तौर पर राष्ट्रीय जनता दल के लोग फुल फ्लेजेड शासन में नहीं है, आधा अधूरा है, और तब तो अपहरण उद्योग के मालिक लोग अपना अपना जो पहले कंपनी उनकी बंद हो चुकी थी उस कंपनी को फिर से शुरू कर रहे हैं। मुजफ्फरपुर में अपहरण हुआ, पटना में एक टीचर के सुपुत्र का अपहरण हुआ, पटना में डॉक्टर का अपहरण हुआ, लगातार अपहरण उद्योग जो कभी बंद हो गया था फिर से धीरे धीरे शुरू होने लगा है। हर तरह से बिहार 2005 की स्थिति में लौटने लगा है। भाइयों और मित्रों, राजनीति में चाहे जिस तरह की परिस्थिति का सामना करना पड़े, हम और हमारे साथियों ने तय किया है कि हम तमाम तरह की परेशानियां आएगी हम उसको झेल लेंगे, लेकिन बिहार को 2005 के पहले वाली स्थिति में नहीं लौटने देंगे। और यही मिशन लेकर हम आपके बीच आए, यही मिशन लेकर हम आपके बीच आए। हमारे लिए कोई जरूरी नहीं था, सामान्य तौर पे जिस तरह से लोग राजनीति करते हैं इसलिए संघर्ष करते कि किसी तरह से सत्ता में थोड़ी जगह मिल जाए, संघर्ष सिर्फ इसलिए कि सत्ता में कोई जगह मिल जाए। उपेंद्र कुशवाहा तो सत्ता में था ही, लोग एमएलए एमपी एमएलसी बनने के लिए करते हैं। उपेंद्र कुशवाहा तो ठंडा घर में था, जिस ठंडा घर में जाने के लिए लोग परेशान रहते। हम भी चाहते तो दूसरे लोगों की तरह अभी सड़क पर हमको नहीं घूमना पड़ता, हम आराम से रह सकते थे। शर्त इतनी ही थी कि राष्ट्रीय जनता दल जिंदाबाद उपेंद्र कुशवाहा को पीछे पीछे करना पड़ता। उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार जिंदाबाद तो कर सकता था, राष्ट्रीय जनता दल जिंदाबाद नहीं कर सकता। यह स्थिति मुझको नहीं स्वीकार्य थी, वरना हम भी आराम से रह सकते थे, लेकिन आराम से रहते वहां उपेंद्र कुशवाहा के लिए तो आराम ही आराम था, लेकिन बिहार के लिए आराम नहीं था, बिहार के लोगों के साथ अन्याय था। इसलिए हमने फैसला लिया कि हम उस जगह को छोड़कर फिर से हम सड़क पर आएंगे और सड़क पर हम आपके बीच कहने आए। नीतीश कुमार जी ने पार्टी के बाद पूरे बिहार को राष्ट्रीय जनता दल के हाथ में गिरवी रख दिया है, बंधक रख दिया है। हम नीतीश जी से इस मंच से हम कहना चाहते हैं, पटना में भी हमने उनसे कहा,
नीतीश जी आपने बिहार को बंधक कागज में तो बना दिया है, उपेंद्र कुशवाहा बिहार के लोगों के बीच जाएगा, उस कागज को हम इंप्लीमेंट नहीं होने देंगे, कागज पर एग्रीमेंट लिखा रह जाएगा, एक्चुअल में हम इसको नहीं होने देंगे। और इसलिए हम आपके बीच आए हैं, कहने के लिए आए हैं कि उस एग्रीमेंट को खत्म करना है, उस कागज को फरवा कर फेंक देना है और बिहार को बचा लेने का काम करना है, बचा लेने का काम करना है। तो यही आग्रह करने के लिए आए हैं आप सब लोगों से, आग्रह जिस जात के लोग हो, जिस धर्म के लोग हो, सभी लोगों से अपील है, सब लोगों से आग्रह है कि सब लोग मिलकर ताकत दीजिए, हम सब मिलकर बिहार को न सिर्फ 2005 के पहले वाले हाथ में जाने से बचाएंगे, बल्कि बिहार को बचाने के साथ साथ मजबूती से बनाने का भी काम करेंगे। बिहार अब पीछे नहीं जाएगा, बिहार आगे बढ़ेगा, इसको करने का काम हम करेंगे। तो इसीलिए हम आए हैं आपसे, मुझको पूरा पूरा भरोसा है कि आप सब लोग मिलकर ताकत जरूर दीजिएगा और बिहार डूबेगा नहीं, बिहार आगे बढ़ेगा, बिहार बनेगा, यही उम्मीद है। इसी भरोसा के साथ आप सब लोगों ने इतना अच्छा स्वागत किया, हर तरह से इंतजार में घंटों रहे, लेकिन आगे भी अभी लोग यहाँ से लेकर सासाराम तक, वहाँ सासाराम भी जाना है जहाँ शहीद निशांत सिंह साहब के चरणों में सर झुकाना है, वहाँ जाना है, फिर कल वहाँ से निकल करके हम बाबू कुंवर सिंह की धरती जगदीशपुर जाएंगे, वहाँ उनके सामने भी नतमस्तक होंगे, सर झुकाएंगे, फिर बाबू जगजीवन राम जी का गांव चंदवा भी जाएंगे, उनके समक्ष भी सर झुकाएंगे, और फिर परसों दिन कुर्था जाएंगे जहाँ शहीद जगदेव बाबू के चरणों में सर झुकाएंगे। तो पूरी यात्रा हमारी उस दिन संपन्न हो जाएगी, पूरी हो जाएगी। तो फिलहाल इसी उम्मीद के साथ, इन्हीं शब्दों के साथ आगे भी जाना है, इसलिए मैं बहुत बहुत जो जिन साथियों ने मिलकर इस कार्यक्रम का आयोजन किया इनका धन्यवाद करता हूं, और आप सब लोग जो इतनी देर से यहाँ रुक कर इंतजार करते हुए हम लोगों की बातों को सुनने के लिए खड़े रहे।